आज हम विज्ञान के जिस पहलू से पर्दा उठाने वाले हैं उसे सुन के आप खुद चौंक जाएंगे। हर चीज में विज्ञान को जोड़ देने वाले वैज्ञानिक जो आस्था और अंधविश्वास से मीलों दूर रहते हैं, जिनके लिए साइंस के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी सच नहीं माना जाता, ऐसे में अगर कहा जाए कि खुद वैज्ञानिक अपने स्पेस मिशन से पहले टोने टोटके करते हैं, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? क्या सच में वैज्ञानिक टोना टोटका में विश्वास करते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में। मैं हूं वैशाली। 15 जुलाई 2019 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अपने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा कोई भी मिशन लॉन्च के पहले तिरुपति में जाकर पूजा करने की परंपरा है। ये पूजा भी बड़ी ही विचित्र मानी जाती है। इस पूजा में इसरो के वैज्ञानिक रॉकेट लॉन्च से पहले उसी रॉकेट का छोटा सा मॉडल मंदिर में चढ़ाते हैं ताकि उन्हें मिशन में सफलता मिल सके। सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गए होगे, है ना? सोचने वाली बात ही है। वैज्ञानिक कभी पूजा पाठ टोने टोटके में कहां विश्वास रखते हैं? लेकिन सिर्फ इसरो ही नहीं, दुनिया भर के बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज भी अंधविश्वास में विश्वास रखती हैं। आइए बताते हैं आपको उन टोटकों के बारे में जो अलग अलग स्पेस एजेंसीज मिशन से पहले करती हैं। रूसी अंतरिक्ष वैज्ञानिक, जिन्हें कॉस्मोनॉट्स भी कहा जाता है, मिशन लॉन्च होने के पहले कई अजीबोगरीब टोटके करते हैं, जैसे अंतरिक्ष यात्रा से पहले रोमांटिक गाना बजाना। जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी यूरी गागरिन से। यूरी गागरिन सोवियत वायुसेना के पायलट और कॉस्मोनॉट, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति। रॉकेट में बैठने के बाद यूरी ने मिशन कंट्रोल सेंटर से कोई संगीत बजाने को कहा। कंट्रोल सेंटर ने उनके लिए एक रोमांटिक गाना भी बजाया। तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है कि सभी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रोमांटिक गाना बजाया जाता है। सबसे अलबेली बात अब ये है कि आज भी वही रोमांटिक गाना बजाया जाता है जिसे यूरी के लिए बजाया गया था। यूरी गागरिन जब पहली बार अंतरिक्ष में गए थे तो वो एक गेस्ट बुक में हस्ताक्षर करके गए थे, और इसी कारण रूसी कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन की पहली अंतरिक्ष यात्रा से पहले उनके ऑफिस में रखी गई उसी गेस्ट बुक में हस्ताक्षर करके अंतरिक्ष में जाते हैं। इसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लकी चार्म माना जाता है। माना तो ये भी जाता है कि कॉस्मोनॉट्स जिस रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाले होते हैं उस रॉकेट को तब तक नहीं देखते जब तक वो खुद उस रॉकेट में नहीं बैठ जाते। इसके साथ ही अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले रूसी कॉस्मोनॉट्स कूलिंग पाइप पर किसी महिला का नाम लिखते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि कोई हादसा ना हो। कहा जाता है कि एक बार जब इस परंपरा को नहीं माना गया था तो एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 47 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद एक और टोटका जो रूसी कॉस्मोनॉट्स करते हैं वो ये कि अपने हर सफल लॉन्च के बाद लगाते हैं एक पौधा। वैसे टोने टोटके की इस दौड़ में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा भी शामिल है। नासा जब भी कोई मिशन लॉन्च करती है तो जेट प्रोपल्शन लैब में बैठे वैज्ञानिक मूंगफली खाते हैं। दरअसल 1960 के दशक में नासा का रेंजर नाम का मिशन 6 बार फेल हो गया था। इसके बाद जब 7वां मिशन सफल हुआ तो पाया गया कि लैब में बैठा एक वैज्ञानिक मूंगफली खाने में लगा हुआ था। बेशक ये सभी बातें थोड़ी विचित्र हैं लेकिन उतनी ही दिलचस्प भी। और ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार।